Good morning, all of you. Today again, we are having a new lesson from the 7th class, that is the SST. And the topic is here, medieval architecture. So, jaisa ki aapko word se pata lag raha hoga, architecture. Architecture, it means that we are talking about the construction. Medieval, medieval means madhyakalin. मतलब अभी जो समय है और जो पास्ट का समय था उसके बीच का मीडियल मिडिल टाइम पीरियड है जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. लेसन है 7th क्लास का. तो जो अकॉर्डिंग टू द 7th क्लास व्हाट एवर द एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द बुक सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. तो शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे. आपका लेसन है मीडिएबल आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर में आपको बोल दिया कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन वो बिल्डिंग हो सकता है, वो टेम्पल हो सकता है, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, महल हो सकता है, घर हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल रीड हियर अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन दैट अर्लियर मीडिएबल पीरियड इट वाज डूइंग देयर. सो फर्स्ट इज नागरा स्टाइल. ये जो नागरा स्टाइल है, द्रविड स्टाइल है या फिर वेजारा स्टाइल है, ये है क्या एक्चुअली? ये कंस्ट्रक्शन करने का एक तरीका है. द वे they make the buildings, temples and all the things that is related to the style of the construction. उस style of construction के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम discuss करते हैं नागरा style. जो नागरा style है वो क्या है? Structural temple builds in Gupta period. तो जो सबसे ज़्यादा इस style के जो construction मिलते हैं, buildings मिलते हैं या फिर मंदिर मिलते हैं, temples मिलते हैं, वो कब के मिलते हैं? Gupta period. ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा इस वाले स्टाइल की टेंपल्स बनाए जाते थे या बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, स्मारक बनाए जाते थे. और ये स्पेशली बहुत ज्यादा पॉपुलर थे कहाँ पे? नॉर्दर्न इंडिया में, यानी उत्तर भारत के अंदर इनकी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी. इसके अंदर होता क्या था, दो बिल्डिंग्स होती थी, एक थोड़ा ऊंचा होता था और दूसरा थोड़ा नीचा होता था. जो मेन श्राइन होता था, मंदिर का जो मेन श्राइन होता था, मेन जो पूजा स्थल होता था, वो थोड़ा का ऊपर होता, टॉलर होता था. जो मंदिर देखते हैं ना, तो गुंबद सा बना होता है, तो एक बड़ा होता था, उसी के नीचे फिर एक छोटा होता. आपने साउथ इंडियन मूवी में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स को देखा होगा. एंड एंड एंजॉइंग इज शॉर्टर. और दूसरा वाला जो उससे जुड़ा हुआ होता था, ऐसे बड़ा फिर ऐसे करके इस तरीके से चलता था, तो उसको थोड़ा सा छोटा बनाते थे. यही खासियत थी किसकी? नगरा स्टाइल. और अभी भी इस तरीके के टेम्पल्स आपको कहाँ मिल जाते हैं? खजुराहो को आप देख सकते हैं और पार्श्वनाथ टेम्पल देख सकते हैं. बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट दैट. ठीक है, अगला है द्रविड स्टाइल. द्रविड स्टाइल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ इंडिया का पार्ट है. डेवलप इन द 7th सेंचुरी इन द साउथ इंडिया. यानी कि क्या हुआ था, 7th सेंचुरी के अंदर साउथ इंडिया में इसको बहुत ज्यादा हाइप मिला. ठीक है, ये भी सेम वही चीज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. ठीक, मेन स्टाइल जो था इसका, जो पिरामिड होता ना, पिरामिडेड था. और इलिवेशन ऑफ टावर्स जो था वो ज्यादा ऊपर होता था. और इसके मेन चार पार्ट्स होते थे, मतलब मंदिर या घर जो बनाए जाते थे तो उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था. मेन चार पार्ट्स होता था जिसको गोपुरम कहते थे, गेटवेज. दूसरा मंडप होता था, ठीक है. दूसरा, तीसरा होता था गर्भगृह, जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती थी. और चौथा होता था प्रदक्षिणा. तो जैसे कि नाम से पता है, यानी जब हम कोई मंदिर बनाते हैं तो आप मंदिर में घुसेंगे तो सबसे पहले एक हॉल आता है, उसके आगे जाएंगे फिर एक और हॉल आता है, फिर लास्ट में सबसे अंतिम में क्या होता है, भगवान का मूर्ति लगा होता है. बड़े बड़े मंदिर में जाएं, बिरला मंदिर में जाएं या फिर छतरपुर मंदिर में जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा. परफेक्ट एग्जाम्पल होगा आपको छतरपुर मंदिर दिल्ली के अंदर, आप देख के आइए. गेट से घुसेंगे पार्क से मिलेगा, कहीं पे हवन का बना है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे टेम्पल्स है, कहीं पे यज्ञ के लिए. तो ऐसे पूरे में पूरे व्यवस्था होता था. स्पेशली ड्रेविड स्टाइल में क्या होता था, चार चीजें जरूर होती थी. पहला गोपुरम होता था, जिसको गेट यानी एंट्री गेट, जब आप घुसोगे तो वहाँ पे क्या होगा. दूसरा मंडप, ऐसे छोटे छोटे मंडप बना के रखते थे, यज्ञ के लिए हो, हवन के लिए हो या फिर किसी जप के लिए हो. थर्ड होता था गर्भगृह. गर्भगृह क्या होता था, वो हॉल होता था जिसके अंदर भगवान आपकी डेटी की मूर्ति हुआ करते थे, जहाँ पे आप जाकर उसके दर्शन करते थे, आप पूजा करेंगे. और चौथा होता था प्रदक्षिणा. प्रदक्षिणा में इसका गोल गोल ऐसे घूमते हैं, यानी जो टेम्पल है, टेम्पल के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता था, द पर्सन दे कैन मूव टूवर्ड दैट
ठीक है। और सबसे ज्यादा फेमस कब हुआ ये? चोला और जो पल्लवा थे, यानी चोला रूलर्स रूल कर रहे थे या फिर पल्लव रूलर रूल कर रहे थे, तो ऑन दैट टाइम इट वाज वेरी फेमस ड्रैगन स्ट्राइक। ठीक है, इसके इसके एग्जांपल है कैलाशनाथ टेम्पल है और मीनाक्षी टेम्पल। तो इफ यू हैविंग एनी टाइप ऑफ द चांस टू विजिट देयर, यू कैन गो एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअली स्टाइल ऑफ ड्रविड ए ड्रविडियन। अगला है विजारा स्टाइल। विजारा स्टाइल जो है इन दोनों स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, विदारा स्टाइल जो है इन दोनों स्टाइल का एक कॉम्बिनेशन है, वो है नागरा स्टाइल का और ड्रेविड स्टाइल का। ठीक, बस कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, स्पेशली डेक्कन जो एरियाज था, डेक्कन एरियाज के अंदर काफी ज्यादा वैलिड था, यूज हुआ करता था। और क्या लिखा है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइड, तो मैंने पहले बता ही दिया नागरा और डायरेक्ट जो ड्रेविडियन स्टाइल उसका। और सबसे ज्यादा फेमस हुआ कब, जब चालुकास रूलर आए या होजाल्स आए या राष्ट्रकूटास आए। तो राष्ट्रकूटास के टाइम पे whatever the construction they were doing, especially that was the Vizara style. ठीक है, so I hope that you are understanding my word, whatever I want to explain you, read in the book, and if you have any type of the problem, you can ask. Thank you. Thank you, Mr. Nagasen sir.